महात्मा जी बैठे थे उसी रास्ते से निकल के गई तो अचानक वो पति अंधा था उसका पैर धोखे से महात्मा के कमंडल में लग गयो। अब जैसे ही कमंडल में पैर लगा तो पानी की बूंदे महात्मा के शरीर पे पहुंची। पानी की बूंदे जब महात्मा के शरीर पे पहुंची तो नेत्र खुले, वो अंधा पति है पत्नी पास में खड़ी। महात्मा ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, तू पति के आसक्त है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि कल का सूरज जैसे ही निकलेगा वैसे ही तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। अब श्राप लगा तो वो भी पतिव्रता और उसे भी क्रोध आया। दादा उसने उजली में बही जल लिया और महात्मा से कहा कि अगर आप सच्चे संत हैं तो मैं सच्ची पतिव्रता हूं, अगर सूरज में हिम्मत है तो कल निकल के दिखा दे, अगर सूरज में हिम्मत है तो कल निकल के दिखा दे, जब सूरज नहीं निकलेगा तो पति की मृत्यु नहीं होगी। अब एक दिन, दो दिन, तीन दिन, महाराज 15 दिन है गए, जनकपुरी में सूरज का नाम निशान नहीं है। इतनी आफत। दादा गुप्तचरों को भेजा गया, पता लगाइए क्या बात हो गई ऐसी। तो जब पता लगाया गया तो संत और सती की जंग छिड़ी है, सूरज नहीं निकलेगा, क्या हो फिर? बोले होगा क्या, मैया अनसुईया को बुलाया गया जो बड़ी पतिव्रता है। बोले कोई युक्ति बताओ। तो मैया अनसुईया ने जवाब दो कि योग एक युक्ति है, सूरज अगर निकलेगा इसके पति की मृत्यु होगी, और अगर कोई पतिव्रता औरत एक कच्चा धागा लेके कच्चे घड़े में बांध के कुएं से पानी निकाले और इसके पति के ऊपर डाल दे तो पति पुनः ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब महाराज राजा जनक ने हर जगह वो पत्र भेजा कि कोई पतिव्रता औरत हो एक कच्चा धागा लेके कच्चे घड़े में बांध के कुएं से पानी निकाले। एक पत्र अवधपुरी में पहुंचा तो मैया कौशल्या ने जब वो चिट्ठी पढ़ी, मैया कौशल्या सोलो सिंगार करके घर से निकली और जवाब दिया है राजा दशरथ सो महाराज एक छोटा सा काम है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं वो काम करके वापस आ जाऊं। बोले हाँ बिल्कुल जाइए, इसमें रोकने वाली बात है ही नहीं। तो महाराज राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या का जैसे ही निकलना हुआ एक मेहतरानी ने रास्ता रोक दियो और मेहतरानी ने जवाब दो देवी कहाँ जा रही हो। बोले वो छोटा सा काम है करके आना है। बोले नहीं आप नहीं जाओगी, क्यों? जब आपके राज्य के नौकर इतना छोटा सा काम कर सकते हैं तो वहां रानियों को जाने की जरूरत नहीं है, मैं जाती हूँ, आप यही विश्राम कीजिए। मेहतरानी ने 16 सिंगार किए और 16 सिंगार करके महाराज पहुंची है जनकपुरी में और जाए के कच्चा धागा लिया कच्चे घड़े में बांधा कुएं से पानी निकाला और जैसे ही महाराज सूरज निकला पति पुनः खत्म हुआ, मेहतरानी ने जैसे ही जल डाला पुनः जीवित हो गया। अब जो जीवित हुआ महाराज देवी देवतागढ़ फूल बरसाने लगे, धन्य है अवधपुरी के मेहतर इतना बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन बात वही खत्म नहीं हुई, पति तो जीवित हो गया उसका, लेकिन दादा राजा जनक ने ये विचार किया है, आज जब स्वयंवर हुआ तो राजा जनक ने विचार किया कि जब अवधपुरी के मेहतर इतना बड़ा काम कर सकते हैं तो धनुष तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं, अगर काउ मेहतर ने धनुष तोड़ दो तो सीता तो भेजनी पड़ेंगे, इसीलिए महाराज अवधपुरी में चिट्ठी नहीं गई। बोलिए गोविंद भगवान की। यहां हर जगह चिट्ठी भेजी गई, जब एक पत्र विश्वामित्र जी ने पढ़ा, चले हैं राम और लक्ष्मण को लेके, चलते जा रहे क्या देखा, जंगल में पहुंचे, एक पत्थर की औरत पड़ी हुई है, पूछने लगे हैं राम गुरुदेव ये कौन है,
बोली ये गौतम ऋषि की पत्नी है, नाम है अहिल्या। श्राप वश पत्थर हो गई। क्यों श्राप कृष्ण ने दिया? बोले ऐसे एक बार इंद्र ने देख लिया और ये दिखने में बहुत सुंदर थी, तो इंद्र ने चंद्रमा से कहा कि भैया हमें गौतम की पत्नी का छल करना है। बोले हैं इंद्र, बन जाती घरवाली, बन जाती घरवाली अहिल्या नारी। चाहिए या छल करना है तो अहिल्या का आप मेरी सहायता कर दो। चंद्रमा ने कहा पागल है क्या? अरे वो बड़ी पतिव्रता औरत है, अरे छल करने की तो छोड़ दो, देखना भी ठीक नहीं है। इंद्र बोला कुछ भी हो आप संत के भेष में, मैं संत के भेष में अंदर जाऊंगा, आप मुर्गा बनकर के आवाज लगा देना, क्योंकि गौतम ऋषि रोज सुबह 4 बजे गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। जिद कर गए तो जाई के महाराज मुर्गा बनके चंद्रमा ने रात्रि के 1:30 बजे आवाज लगाई। गौतम ऋषि विचारे सीधे साधे से उठे, सोचा कि सवेरा हो गया, मैया गंगा के पास पहुंचे। तब तक इंद्र अंदर गया और महाराज मैया गंगा क्रोध में बोली, ओरे गौतम तू तो बावरा हो गया। क्यों मैया? अरे तुझे पता भी है कितना टाइम हुआ? क्या हुआ मैया? बोले अरे ना सो रहा है ना सोने दे रहा है, खुद भी विश्राम न करने और मुझे भी नहीं करने दे रहा है। अरे बावरे तुझे पता है तेरे घर में क्या हो रहा है? जवाब दिया कि ओरे गौतम अरे तू निकला और काय घर से और तेरे घर में छुप करके एक चोर आया, तू काहे घर छोड़ आया, एक चोर आया तू काहे घर छोड़ आया। तेरे घरों में है रही चोरी है, वो चोरी नहीं छिछोरी है। हाँ तेरे घरों में है रही चोरी है, वो चोरी नहीं छिछोरी है।
था। जैसे ही गौतम ऋषि लौट के आए, चंद्रमा भी भाग गया, इंद्र भी भाग गया, अपनी पत्नी को श्राप दिया और एक बात कही है कि हमें अच्छे से पता है कि तू गलत नहीं है, लेकिन अगर घर में चंद्रमा और इंद्र दोनों आए हैं तो ये समाज हमें नहीं जीने देगा, श्राप दिया है कि जा तू पत्थर की हो जा। बोले मेरा उद्धार कैसे होगा? तो कहा है कि स्वयं परमात्मा त्रेता युग में तुम्हारा उद्धार करेंगे। बुजुर्गों, भगवान ने जमीन पे एक ठोकर मारी है, धूल के कण जब अहिल्या पे पहुंचे तो मानस रूप में स्तुति करके भगवान के परिक्रमा लगाए और आकाश की तरफ चली गई। अब विश्वामित्र बोले कि मैंने देखा है आंखों से ताड़िका जो तुमने मारी है, और गौतम ऋषि की नारी अहिल्या पद चरण कमल रज तारी है। सुनता हूँ स्वामी जादू है, हे नाथ तुम्हारे पंकज में और पत्थर में जान डालने की वो शक्ति नाथ है चरण में। अब मैं जानता हूँ कि आपके अलावा उस धनुष को कोई नहीं तोड़ सकता। आगे बढ़े, जनकपुरी में पहुंचे महाराज। क्वार की द्वादशी, घर से निकले अपने आश्रम से, हाथ मिला ले, हाथ मिला ले, अरे अरे, हाँ ऐसे भैया, और ये छोटा सा बेटा कुंज यादव बघिया से जो मल्लर्पण की है, भगवान से कामना करती हूँ, माधव आप यूं ही इस बच्चे पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे, ये बड़ा होकर के अपने माता पिता का नाम रोशन करे, और मल्लर्पण की है भगवान माला माल बनाए रखे, और यूं ही परिवार पर माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, विलासा और आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। बंधुओं, सुबह हुआ विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण से कहा है कि आप पूजा के लिए बगिया से फूल लेके आओ। तो उस बगिया में चकोर चारू चौपड़ वाला बगिया के बीच सरोवर था, बस उसी सरोवर के समीप श्री गिरिजा जी का मंदिर था। सीता मैया गौरी माँ का पूजन करने के लिए चली। महाराज, सीता ने राम को देखा और राम जी ने सीता जी को देखा तो संसार को नचाने वाला खुद नाचने लगा। पड़ गए प्रेम की डोरी में, चित चोर आप चित चोर हुए, सिय रूप अलंकिक रूप बना, राघव के नैन चकोर हुए। एक दूसरे को टकटकी लगाए के देख रहे। राम ने जवाब दो, की बड़ी सुंदर सी है। लक्ष्मण बोले, भैया पराओ देश हुए, अच्छे से खड़े रहो। एक चतुर सहेली सीता की बोली, बहना अगर ये श्याम रंग का बालक आपका पति बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। सीता मैया बोली, अबे तो हमने गौरी माँ को पूजनू ना ही करो, और जब पूजन करूंगी तो एक ही चीज मांगूंगी, पति बने तो राम, वरना जीवन पर्यंत तक कुंवारी ही बनी रहो। गौरी माँ का पूजन किया और एक बात कही कि हे मैया, जब तक मेरे राम उस धनुष के पास न पहुंचे तब तक तू उस धनुष का भार कम मत करना। और मैया सीता कहती है गौरी माँ से कि हे माँ, नगरी हो अयोध्या सी और रघुकुल सागराना हो और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो।
तुम जैसा मेरा रघुराई हो। सवरी सी भक्ति हो हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। महाराज मैया सीता ने आज्ञा ली और वहां से जब चली हैं, इधर आ जाइए महाराज। राजा जनक ने ये ऐलान कर दिया कि जितने नरेश यहाँ आए हैं सब अपना अपना पौरुष धनुष पे अंजमाएं।